हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जी के स्टार्स। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में हम विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो आंसर कमेंट बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1974 में। देखिए, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में आयोजित किया गया था और विश्व पर्यावरण दिवस की पहली बार थीम थी केवल एक ही पृथ्वी। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोटे दी आइवर। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की मेजबानी करेगा कोटे दी आइवर, और कोटे दी आइवर यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और उसकी राजधानी है यमो सरोको और उसकी मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। और कोटे दी आइवर इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करेगा और यह नीदरलैंड द्वारा समर्थित मुख्य फोकस प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून को। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। और विश्व पर्यावरण दिवस यह पहली बार 1974 में 5 जून को मनाया गया था और उसका आदर्श वाक्य है सरकारों, व्यवसायों और मशहूर हस्तियों और नागरिकों को एक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने प्रयासों ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान यानी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ यानी केवल एक ही पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2011 में। देखिए, 2011 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी भारत ने की थी और भारत के लिए इस दिन मेजबानी करने का यह मौका पहला था। और 2011 की थीम थी जंगल प्रकृति आपकी सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस को किन किन नामों से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस को जाना जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और पर्यावरण दिवस और इको डे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो 1974 में कहाँ मनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, पहला विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया गया था 1974 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986 में। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था और यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर में। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान यह स्थित है नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नैरोबी में। देखिए नैरोबी यह केन्या देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2010 में। देखिए भारत में एक हरित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी और इस अधिनियम के तहत पर्यावरण से संबंधित सभी कानून अधिकारों के प्रवर्तन और व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने उससे संबंधित उससे जुड़े मामले सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी NGT की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 मार्च को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्राज़ील में। देखिए सदाबहार वर्षा वन ये पाए जाते हैं ब्राज़ील में, और सदाबहार वर्षा वन यहाँ तापमान सर्वाधिक होता है और जहाँ वर्षा अधिक हो, और ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन यानी अमेजन वन पाए जाते हैं और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के किस वैज्ञानिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वायुमंडल में। देखिए पर्यावरण के किस वैज्ञानिक क्षेत्र में यानी पदार्थ के न्यूनतम भंडारण क्षमता है? तो यह है वायुमंडल में, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण न्यूनतम भंडारण क्षमता है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल को। देखिए प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 14,000 मानक संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्यावरण प्रबंधन से। देखिए ISO 14,000 मानक संबंधित है या पर्यावरण प्रबंधन से, और यह 14,000 मानक यह कंपनियों को पर्यावरण के मानक लागू करने का निर्देश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। देखिए पर्यावरण शिक्षा केंद्र यानी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन यह अहमदाबाद गुजरात में है, और पर्यावरण शिक्षा केंद्र इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तो यह नागपुर महाराष्ट्र में है, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह बेंगलुरु में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1983 में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अपिको आंदोलन। देखिए, अपिको आंदोलन यह चिपको आंदोलन की तर्ज में पर्यावरण संरक्षण के लिए यह शुरू किया गया था। यह दक्षिण भारत का आंदोलन है और यह कर्नाटक में शुरू हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह 1983 में हुआ था। उसके नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आलिया मीर को। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।